हाँ, मेरे तो खुद का काम करना अच्छा है ना, दूसरे की नौकरी करेंगे दो बात कौन सुनेगा। नहीं बिकेगा तो फिर वो गाली काटेगा, गलौज काटेगा। अरे कह रहे मेरा धंधा नहीं करा, गांठ के पैसे कहाँ से हम गरीब आदमी दे सकते। हेलो दोस्तों, आज मैं आया था थोड़ा सा घूमने के लिए, तो यहाँ पास देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खिलौने ये भाई साहब यहाँ सेल कर रहे हैं। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि ये खिलौने ये कहाँ से लेके आते हैं और किस तरीके से सेल किया जाता है। देख सकते हैं ये खिलौने कितने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये आप अपने बच्चों को इस तरह के खिलौने लेकर के दे सकते हैं। इनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि ये भाई साहब है तो इनसे आज हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से अपने खिलौनों को सेल करते हैं और कहाँ से लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेशनल हाईवे, इसके किनारे ये लगाते हैं, तो आज इनसे हम लोग बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरवे राम है। आप कहाँ से हैं? हम रहने वाले हैं लिम्बाड़ा मीमच के पास। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पास मतलब आप अकेले हैं कि काफ़ी लोग आप? हम बहुत काफ़ी लोग हैं, 20 आदमी है। अच्छा अच्छा, 20 लोग। आप पूरे शहर भर में आप लोग लगाए? हाँ, पूरे मेन रोड के कांटे पे लगा रखा है। ये सारा जो मटेरियल है, हम लेके आते हैं कंपनी द्वारा से। कहाँ से लेके आते हैं? हम लाते हैं अपने भोपाल मध्य प्रदेश से। ये किस जगह सेल कर रहे हैं? ये इधर सर कर रहे हैं, हम बहुत सस्ता कर रहा है, 150 रुपये के फिक्स रेट है। हाँ, और इससे 1 रुपया कम ज़्यादा देगा तो नहीं देते हम कस्टमर को। काफ़ी ज़्यादा मजबूत, जैसे आपने हाँ दिखाया है, आपने मजबूत काफ़ी दिखाया है। तो आप ये मतलब कि ऐसे आपको ये एक पीस कितने रुपए का पड़ता है? मेरे को 140 का पड़ता है, 10 रुपये कमाते। आका दिन का 100 फीस बेचते तो मेरे को 1000 रुपया कमर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जैसे भाई साहब ने बताया कि 10 रुपये इनको बचता है, फिर भी ये 100 पीस बेच देते हैं और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट रहा। मतलब ये आप बताइए, जैसे आप काम करके मतलब आपका अच्छा खासा काम हो जाता है या आपको मतलब? हाँ, मजदूरी मिल जाता है सर। मजदूरी मिल जाती है? हाँ। मतलब इससे ये है कि आपको अपना खुद का काम करने में अच्छा लगता है या मतलब कि जैसे कि आप कहीं की नौकरी करते हैं तो वो अच्छा लगता है? हाँ, मेरा तो खुद का काम करना अच्छा है ना, दूसरे की नौकरी करेंगे दो बात कौन सुनेगा। सही बात है, ये भी कहना बात है। आज आदमी अपना रोजगार खुद से स्वयं कर सकता है, बाकी ऐसे अगर किसी का कोई रोजगार करेगा तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हाँ, नहीं बिकेगा तो फिर वो गाली काटेगा, गलौज काटेगा। अरे कह रहे मेरा धंधा नहीं करा, गांठ के पैसे कहाँ से हम गरीब आदमी दे सकते। मेरे को हो गया 2 साल के लगभग हो गया। तो मतलब ऐसे ही हम हर जिले जाते हैं? हाँ, हर जिले में जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद। अच्छा, महाराष्ट्र। हम एक जिले में रुकते हैं सिर्फ 15 दिन। जैसे कि मैं काफी दूर से यहाँ से आ रहा, 2-4-10 लोग मुझे मिले, तो ये क्या आपके सारे ग्रुप के लोग? पूरा एक ही ग्रुप है, 20 आदमी का है। 20 आदमी? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि आपने इनकी जानकारी से बताया कि। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये अपना खुद का काम करते हैं, तो खुद के काम में देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। आप लोग इससे इनसे इंस्पायर होकर के इस तरीके का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक।